بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق अल्फाज मायने के बाद अब हम इस बाब के इमला के अल्फाज लिखेंगे। इमला के अल्फाज सबसे इबादत नंबर दो
मज़ाहिब। मीम ज़े अलिफ़ज़ा मज़ा हे बे हिब मज़ाहिब। नंबर 3 यकीन, ये काफ ये यकी। अब हम बाब नंबर सात का सवाल नंबर 1 लिखेंगे और सवाल नंबर 1 है मस्जिद किसे कहते हैं। इसका जवाब लिखेंगे सवाल नंबर 1 मस्जिद किसे कहते हैं। मस्जिद ऐसी जगह है जहां मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं। सवाल नंबर 2 मज़हब इस्लाम की तारीफ लिखें। इसका जवाब अल्लाह ताला
को एक मानना और उसी की इबादत करना अल्लाह ताला को एक मानना और उसी की इबादत करना मजहब इस्लाम है। अगला सवाल लिखेंगे, सवाल नंबर 3। पाकिस्तान में मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं। सवालिया निशान। इस सवाल का जवाब है, पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा हिंदू सिख ईसाई और पारसी मजहब मानने
सवाल नंबर चार, फैसल मस्जिद पाकिस्तान के किस वाकई है? इसका जवाब है फैसल मस्जिद शहर इस्लाम आबाद में वाकई है? सवाल नंबर पांच, फैसल मस्जिद में कितने नमाजियों के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है? सवाल नंबर पांच का जवाब है फैसल मस्जिद में 3,00,000 नमाजियों के नमाज पढ़ने
की गुंजाइश है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, हिंदू इबादत करने कहाँ जाते हैं? इसका जवाब है हिंदू इबादत करने मंदिर जाते हैं। सवाल नंबर 7, मसीही इबादत करने कहाँ जाते हैं? मसीही किन्हें कहते हैं? ईसाई को। मसीही इबादत करने चर्च या गिरजा घर जाते हैं। अगला सवाल खाली जगह पुर का है, यानी इसमें जुमले दिए जाएंगे और जो खाली जगह होगी उसे आपने मुनासिब अल्फाज लगाकर मुकम्मल करना है। तो सवाल नंबर 8, खाली जगह पुर
करें। पहला जुमला है, इस्लाम हमारा मजहब है। इस्लाम को अंडरलाइन करना है, यानी लफ्ज़ इस्लाम के नीचे आपने एक लाइन लगानी है। दूसरा जुमला है, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। इस जुमले में आपने मस्जिद के नीचे लाइन लगानी है। तीसरा जुमला है, फैसल मस्जिद इस्लाम आबाद में वाके है। इस जुमले में आपने इस्लाम आबाद के नीचे लाइन लगानी है। जुमला नंबर चार, सिखों की इबादत गाह का नाम गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा लफ्ज के नीचे लाइन लगानी है। पांचवा जुमला, हमें तमाम मज़ाहिब
की इज्जत करनी चाहिए। लफ्ज इज्जत के नीचे लाइन लगाइए। छठा जुमला, फारसी फारसी के नीचे लाइन लगाइए। आतिश कदा, जाते हैं। पारसी मजहब के लोग आग को पूजते हैं, इसलिए वो अपनी इबादत करने आतिशकदा जाते हैं। अगला सवाल लिखते हैं, सवाल नंबर 9। दिए गए दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अब यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, अगर तो वो जुमला दुरुस्त होगा, सही बात होगी, तो उसके सामने आपने ये वाला निशान, इस निशान को लगाना है, टिक भी कहते हैं। और अगर गलत जुमला होगा तो हम उसके सामने गलत यानी क्रॉस का निशान लगाएंगे। पहला जुमला है, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। जी, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह ताला का घर है, तो हम इसमें टिक का निशान लगाएंगे। दूसरा जुमला है, पाकिस्तान में
दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं रहते। क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं रहते। ये गलत जुमला है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। जुमला नंबर 3, फैसल मस्जिद कराची में वाक़ई है। क्या ये बात दुरुस्त है? आपने पढ़ाई में ये पढ़ा था कि फैसल मस्जिद पाकिस्तान के किस शहर में है, तो क्या वो कराची में वाक़ई है? नहीं, तो इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे, यानी क्रॉस करेंगे। चौथा जुमला है, पारसी मज़हब के लोग आग को पूजते हैं, यानी वो आग की पूजा करते हैं। जी, ये जुमला दुरुस्त है, इसके सामने आपने टिक करना है। पांचवा जुमला है, बादशाही मस्जिद लाहौर में वाकई है। जी, बादशाही मस्जिद, आप में से बहुत से बच्चों ने ये मस्जिद देखी होगी, और ये मीनारे पाकिस्तान के पास मस्जिद वाकई है, यानी लाहौर में है। तो ये दुरुस्त जुमला है, आप इसके सामने टिक करेंगे। इस जुमले के साथ ही आपका बाब नंबर 7, इबादतगाहें, मुकम्मल हो गया है। आपने इस बाब को याद करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नया बाब शुरू करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।